भगवान की भक्ति पूजा अभिषेक दान ये सब पुण्य अर्जन के कारण हैं भगवान की भक्ति करने से पूजा करने से दान देने से पुण्य का अर्जन होता है और पुण्य के अर्जन से हमें संसारिक ऐहिक और पारलौकिक दैहिक सुखों की प्राप्ति होती है जो कुछ संसार में मिल रहा है वह भी पूर्वगत पुण्य के उदय से मिल रहा है जो पहले मिला था वही भी पूर्वगत पुण्य के उदय से मिला था और आगे जो भी मिलेगा वह भी पूर्वगत पुण्य के उदय से ही मिलेगा किसी के पास अपार संपदा होती है किसी के पास कम होती है और किसी के पास नहीं होती कभी चिंतन करें कि कैसे है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा एक ही गांधी मार्केट में सुभाष रोड पर एक ही लाइन में अगर सौ दुकानें हैं तो सबकी दुकान एक सी चलती है क्या क्यों एक ही लाइन है एक ही बाजार है एक ही मार्केट है और एक ही प्रकार का आइटम है उसमें भी अंतर नहीं है तब भी सबकी दुकान एक सी नहीं चलती क्यों बस समझना चाहिए कि जिनके पुण्य का उदय है उनकी तो चल रही है और जिनकी पुण्य का उदय नहीं है या कहें जिनके पाप कर्म का उदय है वो बेचारे दुकान बंद करके चले जाते हैं घाटा करके वो चले जाते हैं आश्चर्य है उसी स्थान पर बैठ करके कोई तो फलीभूत हो जाता है और कोई लुटा करके चला जाता है ये सब पुण्य प्रकृतियों का खेल है पुण्य प्रकृतियां जब उदय में होती हैं तो सब कुछ सहजता से मिलता जाता है और पाप प्रकृति जब उदय में आती है तो जो प्राप्त है वह भी चला जाता है इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति आराधना करना इससे पुण्य का अर्जन होता है मुझे स्मरण में है एक सत्य घटना एक बार एक सज्जन नौकरी करते थे बहुत पुरानी घटना है नौकरी करते थे शुरू में उनको 200-300 रुपया मा, मासिक पगार यानी तनख्वाह मिलती थी धीरे धीरे समय बढ़ा उनकी पगार जो तनख्वाह थी वह सत्रह अठारह सौ रुपये हो गई दो हजार हो गई बाईस सौ हो गई पहले उनके पास परिवार नहीं था धीरे दी, धीरे परिवार बस गया परिवार बड़ा हो गया बच्चे बीस बाईस साल तेईस साल के हो गए और जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर चिंता हुई कि बच्चों को भी अब कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा बच्चों ने कहा मुझे भी पिताजी कहीं नौकरी पे लगा दो तो पिताजी कहते मेरा तो देखो जीवन मोहनौकरी करते करते निकल गया अब तुम कोई व्यापार करो और उन्होंने अपने बच्चों को जो थोड़ी सी पूंजी जमा की थी उसमें लाख रुपया भी बहुत होते थे थोड़े थोड़े करके उन्होंने वह पैसे जमा किए थे 20 20-22 साल में उन्होंने जो भी जमा किया था वह बच्चों को दिया कि जाओ अब तुम इससे अपना व्यापार करो और उनको लाइन दिखा दी ऐसा करना है ऐसा करना है सब बच्चों ने अपनी योग्यता के अनुसार व्यापार प्रारंभ किया और उनका पुण्य इतना तेज चला कि व्यापार ऐसा किया कि एक साल के अंदर उन्होंने इतना व्यापार किया कि 20 लाख की पूंजी बना ली कितनी बना ली एक लाख की पूंजी से 20 लाख की पूंजी बना ली मार्केट में क्रेडिट बना ली अच्छा मतलब वर्चस्व बन गया और उन्होंने पिताजी से कहा पिताजी अब आप छोड़ो आप यहाँ गद्दी पर बैठो अब अपनी गद्दी है अब दूसरे की नौकरी अब नहीं करना आप उनको। यहां अब उनको अपन यहाँ हैं अब अपन अपनी दुकान देखें कोई बात नहीं आप तो बैठे रहो बाकी हम काम हम लोग करेंगे पिताजी भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं लेकिन उसे तो बेटा छः महीना और देख लो छह महीना और कर लो उसके बाद जब तक हम बोल दें भाई किसी को धोखा नहीं देना चाहिए जिसके नौकरी कर रहे हैं उसको बोल दें कि दो चार महीना और हम करेंगे छ महीना और करेंगे उसके बाद आप अपनी व्यवस्था देख लेना और बस कुछ दिन और निकले कपड़े का काम था होलसेल काम किया था लुधियाना से पूरा गर्म माल का स्टॉक किया था क्रेडिट पे माल भी मिल गया था एक करोड़ के ऊपर का माल गोदाम में लगा था और दिवाली के दिन एक छिनगारी गोदाम में लग गई एक छोटी सी छिनगारी गोदाम पर चली गई और कमाया तो बीस लाख रुपए था चला गया करोड़ ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय पुण्य का उदय था कि लक्ष्मी आ रही थी और पाप का उदय आया कि लक्ष्मी चली गई बड़ी अच्छे भाव बन गए थे अच्छी व्यवस्थाएं बन गई थी कि अब हम हाँ, सबका जीवन हमारा परिवार अच्छे से रहेगा अब तो और बेहतर हो गया अब तो लेनदारी तो जिससे लेना है दुकान बंद होने के बाद वह सब खिसक जाते हैं और जिन्हें देना है वह चक्कर लगाते हैं ओहो हो पाप का उदय आता है तो देने वाले चक्कर लगाते हैं और लेने वाले जिनसे लेना है वह भाग जाते हैं और जिनका देना है वो चक्कर लगाते हैं और पुण्य का उदय होता है तो लोग कहते जरूरत तो नहीं है दस लाख रखें ले लो एक का देते रहना एक का ब्याज देते रहना पचास पीसी के देते रहना कोई बात नहीं ले लो मेरे पास रखे हैं और पाप का उदय आता तो यह संसार की दशा है और जिसके पास पुण्य है वह हर जगह सफल होता है एक काकम में दृष्टांत पड़ा एक बहुत बड़ी सीठ थी सैकड़ों नौकर चाकर जिनके यहां काम करते थे और उनकी पत्नी गर्भवती हुई गर्भवती होते ही पति की मृत्यु हो गई सेठ जी चले गए गर्भ जैसे जैसे बड़ा होता रहा वैसे वैसे सब व्यवस्थाएं बिगड़ती गईं, और जब बालक का जन्म हुआ तो उनका सब कुछ खत्म हो गया कुछ भी नहीं बचा सब समाप्त तो हो गया और जन्म होने के बाद स्थिति ये बन गई कि जो मकान था वो भी चला गया अब कहीं दूसरी जगह किराए पर रहने लगे माँ सोचती है कैसे अभागे पुत्र को मैंने जन्म दिया है जिसके आते ही जिसके घर में आते ही पति का वियोग सहना पड़ा परिवार टूट गया रिश्तेदार दूर हो गए धन संपत्ति समाप्त हो गई कुछ भी नहीं बचा अब स्थिति ये बन गई कि भोजन तक की व्यवस्था मुश्किल हो गई वह माँ क्या करें किसी के यहाँ नौकरी करने लगी जैसे तैसे काम चलाने लगी वह माँ बालक से कहती बेटा अब तुम भी कुछ काम करो कहीं नौकरी करो थोड़ा बटा हो गया था दस बारह साल का हो गया होगा बेटा कहता कि हाँ माँ मैं भी काम करूँगा वह बेटा एक दिन निकल जाता है देखता है एक खेत पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं तो वह भी साथ में काम करने लगता है सारे मजदूर काम कर रहे थे वो भी काम करने लगता है और सारा दिन काम करता है शाम को जब सबको पेमेंट मिल रहा था यानी पारिश्रमिक मिल रहा था और पारिश्रमिक रूप में पहले जो खेत से अनाज निकलता था उसका कुछ भाग पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था तो सबके लिए दिया गया था उसका नंबर आया उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो उसने कहा सेठ जी हम भी आपके यहाँ हमने भी दिन भर काम किया है पूछा किसके बच्चे हो कैसे क्या तो उसको स्मरण में आया ओहो जिसके यहाँ मैं काम करता था आज उसी का लड़का मेरे यहाँ काम करने आया है जिसके यहाँ मैं काम करता था आज उसी का लड़का मेरे यहाँ काम करने आया है कैसी दुर्दशा हुई है और उस सेठ ने बड़ा धर्मात्मा था दयालु था उसने बैठाया बेटे को बेटा बैठो अंदर गया और एक मटके में उसने सोने चांदी के आभूषण और भी सामान उसमें भर दिया हीरे जवाहरात सोने चांदी के आभूषण उसको भर दिए और उसको दिया बेटा ये अपनी माँ को दे देना यही आज तुम्हारा तुम्हारा पारिश्रमिक है जितना उससे बन सकता था उसने सब उसमें डाल दिया एक ही बात कि हमारी सेठ जी बहुत धर्मात्मा थी उनकी पत्नी सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी कर्म का उदय है आज उनकी ये स्थिति बन गई है आज उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए तो उसने उसमें डाल दिया और बेटे के हाथ में दिया उस बेटे ने जैसे ही हाथ में लिया और कहा सेठ जी क्या करते हो सबके लिए तुम अनाज देते हो और मेरे लिए अंगारे देते हो वे सारे के सारे आभूषण जो मटके में पड़े थे वे अंगारे बन गए ओहो उस बालक के हाथ जलने लगे सेठ जी झांक करके देखते हैं कि ओहो इसकी बहुत पाप का उदय है सेठ जी कहते हैं मटके को यहाँ रख दो इस मटके को यहाँ रख दो उसी ने रख दिया कि सेठ जी कहते हैं वो अनाज वो पड़ा है जितना तुम अपने झोली में बांध कर ले जा सकते हो तो बांध लो और ले जाओ वह झोली में अनाज भर लेता है और झोली में अनाज भर करके सेठ जी और ज्यादा भरवा देते हैं कैसे भी किसके यहां कुछ पहुंच जाए और पोटली बांध देते हैं और सिर पर रखवा देते हैं। बेटा जाओ रास्ते में चलते चलते पोटली में छेद हो जाता है सारा अनाज रास्ते में बिखर जाता है घर पहुंचते पहुंचते मुट्ठी अनाज रह जाता है मां कहती है बेटा क्या मिला क्या ये भर ही अनाज चना मिला तुझे और कुछ नहीं मिला कि हाँ माँ मिला तो बहुत था लेकिन सब रास्ते में फैल गया इतना ही मेरे साथ आया है मां कहती कोई बात नहीं अब क्या करें जब पाप कर्म का उदय होता है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो भात में आता है वही भी कोयला और अंगारे बन जाते हैं ऐसे पाप कर्म का उदय आता है बेटा जिसके यहाँ रहता था वह माँ जिसके यहाँ रहती थी काम करती थी उस सेठ के यहाँ भोजन बनाने का काम वह माँ करती थी और भोजन बनाती थी उस सेठ के सात आठ लड़के थे तो माँ जब खीर बनाती थी सारे बच्चे खीर खाते थे लेकिन वह उसको खीर खाने को नहीं मिलती थी वह रोज़ देखता था कि सब खीर खा रहे हैं वो भी तो बच्चे हैं मैं भी तो बच्चा हूँ सबको खीर खाने को मिल रही मुझे नहीं मिल रही है वह माँ कहती थी कि बेटा ये तुम्हारी नहीं है ये इनकी है तुम्हारे पास इतना नहीं है तुम्हारे लिए हम अच्छा भोजन बनाएंगे तुम चलो अपने घर चलो अपनी जो छोटी सी कुटिया छोटा सा मकान जो छोटी सी झोंपड़ी ने दे रखी थी वहाँ रहती थी और भोजन बनाकर बच्चों को खिलाती थी अपन करती थी लेकिन बच्चा बार बार कहता था माँ मुझे भी खीर खाना है माँ मुझे भी खीर खाना है लेकिन माँ क्या करे इतना पारिश्रमिक नहीं था कि उस पार्श्रमिक से वह उस बच्चे के लिए खीर खिला सके